नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आइस टोकन फाइनली लॉन्च हो गया और प्राइस आपके मन के मुताबिक नहीं रहा, क्योंकि सवाल आज सबसे ज्यादा यही है। तो इसीलिए आज आपका ये वीडियो रहेगा क्यू एंड ए सेशन का, ठीक है? जो आपने पूछा है मैं उसके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। प्राइस कम क्यों रहा? देखिए साहब, जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले वो क्या करता है कि बड़े बड़े लोगों को पैसा लगवाता है, जिससे क्या होता है कि बड़े लोग पैसा लगाते हैं और अच्छी खासी वैल्यूएशन उसकी हो जाती है, और जब मार्केट में आता है तो प्राइस ऊपर चला जाता है। लेकिन आपने एक चीज समझिए, जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो सबसे पहले वही बड़े लोग लेके निकलते हैं और वो निकल जाते हैं। फंस कौन जाता है? आप जैसे, हम जैसे लोग। लेकिन यहां उल्टा हुआ है, यहां किसी भी बड़े आदमी को कोई भी टोकन नहीं दिया गया है। यहां जो भी दिया गया है सबसे पहले आपको दिया गया है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने केवल इतना किया है कि अपने मोबाइल में उस हथौड़ी को टच किया, इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं किया है। तो भाई अब बताइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टोकन मिले हैं, यानी कि किसी भी बंदे का पैसा नहीं लगा, पैसा आपका भी नहीं लगा, आपने खरीदा नहीं है। आप कहीं भी आईसीओ में, आईडीओ में जब भी खरीदते हैं टोकन के लॉन्च होने से पहले, तो वहां आपको वाकायदा पैसे से खरीदना पड़ता है, यहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। पहली वजह इसकी यही थी कि इसका प्राइस जो था वो थोड़ा सा कम इस वजह से। अगर यहीं बड़े लोगों का पैसा लग जाता तो मे भी प्राइस आप जो सोच रहे थे कि $1, $2, $3, $5, वो शायद हो भी जाता। लेकिन भाई उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आपने देखे मोस्टली जो प्रोजेक्ट आते हैं अचानक से तो हाइप पकड़ते हैं, लेकिन धड़ाम से वो 90-99% तक गिर भी जाते हैं। क्यों? जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वही होता है कि बड़े लोग पैसा लगाते हैं, जब प्राइस ऊपर जाता है बड़े लोग पैसा लेकर निकल जाते हैं। फंस कौन जाता है? आप जैसे, हम जैसे लोग। अब यहां क्या होगा? यहां बड़े लोगों की एंट्री होगी, तो यहां प्रॉफिट किसका होगा? आपका होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग पहले से है। लेकिन जो भी एंट्री करेगा वो एक तरह से खरीदेगा, खरीदेगा तो वैल्यू बढ़ेगी। ये है इस प्रोजेक्ट में और जो प्रोजेक्ट आए और उसमें डिफरेंस। तो मैं ही कहता हूं आज की डेट में जो ये लॉन्च हुआ जिस प्राइस पर, यानी कि $0.002 के आसपास, यही प्राइस था, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, मुझे यही एक्चुअली मुझे लगता है यही था, ठीक है? तो इस प्राइस पर कितने जीरो लगे आपके डॉलर में? 2 जीरो, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा कंपेरिजन करता हूं। देखिए, मैं किसी प्रोजेक्ट की बुराई नहीं कर रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं केवल समझाने के पर्पज से आपको ये कह रहा हूं। यहां पर इसके प्राइस में 2 जीरो लगे, उसके बाद 2 आया। बेबी डॉज में आज की डेट में 8 जीरो लगे हुए हैं, तब जाके कोई नंबर है। शिवा इनू में आज की डेट में 5 जीरो लगे हुए हैं, तब जाके कोई नंबर है। इसमें क्या है? 2 जीरो है, तब जाके नंबर है आइस में। तो अब आप ये देख लीजिए, आप कहने को तो वो भी मीम कॉइन है और काफी पुराने कॉइन है, बहुत लोग उसमें पैसा लगा के बैठे हैं, लेकिन क्या उम्मीद है? लगता है कि वो इतने सारे जीरो क्लिक करके और $1 पर पहुंच जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, कि वो उतनी ज्यादा फिर वैल्यूएशन भी चाहिए, मार्केट कैप चाहिए। अब इसमें कितने हैं? 2 जीरो, केवल 2 जीरो। अगर आप थोड़े से भी एक्टिव रहेंगे ट्विटर पर, तो मैंने आपको get.io का एक वहां पर स्क्रीनशॉट भी दिया जो $1 से भी ऊपर प्राइस चला गया था वहां पर। तो इसने तो अभी $1 को टच कर लिया। भविष्य में हो सकता है जब और एक्सचेंज लिस्टिंग होगी, बड़े लोगों की एंट्रियां होंगी, तो शायद $1 के ऊपर ये निकल जाए। डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट अब कैसे कैसे डेवलपमेंट करता है, कितनी एंट्री इसमें बड़े लोगों की होती है, कितने और बड़े बड़े एक्सचेंजों पर लिस्टिंग होती है। अभी कितने? 5-6 एक्सचेंज तो आए। अभी देखिए, get.io, OKX, यही 2 एक्सचेंज तो बड़े थे, बाकी BingX और आपका SuperX और एक और कोई था, मुझे नाम ध्यान नहीं है। तो ऐसे 5-6 एक्सचेंजों पर लिस्टिंग हो भी गई। तो ऐसे और भी बड़े एक्सचेंज जब धीरे धीरे आएंगे, लिक्विडेशन इधर वो कहते हैं लिक्विडिटी इधर उधर प्रोवाइड की जाएगी, तो मे भी देखिए टोकन धीरे धीरे कम भी होंगे और प्राइस जब मनी आएगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये मेरा कुछ एक सीन है जिसकी वजह से मुझे लगता है इसका प्राइस बढ़ेगा। अब आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि ये डॉलर में आपको ये लग रहा है ना कि जैसे 2 जीरो लगे हुए हैं, तो आपको लग रहा है शायद ये रुपए में कहां जा सकता है। तो मैं आपको देखिए एक ये पूरा चार्ट दे रहा हूं जो कन्वर्जन का है। आप एक तरफ डॉलर है और एक तरफ आपका INR है, तो थोड़ा सा यहां समझने की कोशिश कीजिए। जब आपका डॉलर में 0.002 होता है, उस टाइम अगर पैसे में या रुपए में देखा जाए तो हमारा 0.17 पैसा होता है, यानी कि इतना ये इक्वल है। अगर आपका प्राइस डॉलर में 0.006 होता है तो प्राइस आपका 50 पैसे का होता है, अब आप ध्यान रखिएगा। और 0.009 अगर है तो आपका 75 पैसे इसका प्राइस बनता है, और अगर आपका 0.01 है तो आपका 85 पैसे के आसपास बनता है, और अगर आपका 0.1 डॉलर है तो आपका 8.5 रुपए के आसपास
प्राइज बनता है। और अगर आपका $1 हो जाता है तो आपका देखिए जो भी डॉलर का उस टाइम प्राइज है 83 रुपए, 84 रुपए, 85 रुपए, तो वो रुपए में हो गया। तो आप ये देख लीजिए, अब गेट डॉट आईओ पर ये $1 से ऊपर चला गया, यानी इसका प्राइज लगभग 85 रुपए को भी क्रॉस कर गया। तो भाई ये अभी अर्ली स्टेज है, तो आप यहां ये थोड़ा सा देख के चले। अब बहुत से मुझे पूछ रहे सर आपने सेल किया क्या? भाई मैंने एक भी टोकन सेल नहीं किया है, मैं अपना बता सकता हूं आपको, जो करना है कर सकते हैं। देखिए हम तो यहां तक आपको गाइड कर सकते थे, प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते थे, अब आगे आपको प्रोजेक्ट में रहना है, माइनिंग करनी है नहीं करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सेल करना है आप शौक से कर सकते हैं, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि आप होल्ड करें, कल को क्या होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं अपना कहता हूं कि मैं एक भी टोकन सेल नहीं कर रहा हूं। आपको सेल करना है आप कर सकते हैं, आपने कई सारे एक्सचेंजों पे आपने देखा सेल हो भी रहा है, आप कर सकते हैं। और पैनकेक्स वो सॉरी यूनिस्वैप पर आपका शाम को 8:30 बजे के आसपास वहां भी हो जाएगा, तो आप वहां पर भी सेल कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन हम तो यही कहेंगे हमें अभी उम्मीद है। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कहूं तो देखिए बॉम्क में अगर रुपए में आज की डेट में प्राइस बताता हूं तो भी उसमें भी लगभग 3 जीरो लग जाते हैं कभी, और कभी 2 जीरो लग जाते हैं। बॉम्क का जिसने अभी अच्छा खासा स्पाइक मारा था तब भी जाके उसके अभी भी 3 जीरो या 2 जीरो के बाद कोई नंबर आता है। पेपे में भी आज की डेट में अगर प्राइस आप रुपए में देखें तो उसके आगे भी 3 जीरो लगे हुए तब जाके कोई एक नंबर है। तो इसमें तो भाई साहब 2 ही जीरो लगे हैं, 2 जीरो पर ये लॉन्च हुआ था, यानी कि 2 जीरो 2। अब मैं कहता हूं ये मान लो $1 गेट डॉट आईओ पर गया, अगर वहां से गिरता भी है तो दोबारा से वहीं लौट के आगे ज्यादा जाएगा, भाई 0.002 पे आ जाएगा, तो वहां फिर भी हम 17 पैसे पे हमारा एक टोकन बनता है। तो ये क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम का हिसाब किताब है। आपको थोड़ा सा देखिए अगर कुछ अच्छा प्रॉफिट लेना है तो मेरे भाई टोकन्स को पहले होल्ड कीजिए, उन टोकन को अपने पास रखिए। अगर आप वो मान लीजिए 1000 टोकन आज मिले, आपने 1000 आज ही बेच दिए, तो आपको क्या मिलेगा? ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो डिपेंड करता है आगे ऊपर का आप क्या चाहते हैं। तो भाई आप, मैं तो सिर्फ आपको बता सकता था कि इसमें क्या हुआ, प्राइस आगे कितना और बढ़ सकता है, किस कंडीशन में बढ़ सकता है, तो वो सारी चीजें मैंने आपको यहां समझाने की कोशिश की। बाकी ये भी कहा भाई देखिए प्रोजेक्ट में रहना ना रहना आपकी मर्जी है, हम आपको केवल गाइड कर सकते हैं। आगे हो सकता है ऐसा कोई और प्रोजेक्ट हमें मिला तो वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें भी कुछ ऐसा आपको हासिल हो सके, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं। दूसरी बात देखिए भाई, अभी आपको हर महीने अक्टूबर तक, अक्टूबर 2024 तक ऐसे महीने के महीने टोकन मिलते रहेंगे, तो उसके लिए आपको देखिए जो लोग इनएक्टिव हो गए थे वो एक्टिव हो जाइए, आपको माइनिंग करना कंपलसरी है। जो लोग माइनिंग नहीं करेंगे उनको फिर से कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर से उन लोगों को टोकन नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अक्टूबर तक जो है बिल्कुल एक तरह से मुस्तैद हो जाइए कि हमको हथौड़ी चलानी ही चलानी है, तभी जाके देखिए आपको कुछ हासिल हो पाएगा। और कंपलसरी एक तरह से एक्टिव होना, अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपने अभी देख लिया है जो लोग एक्टिव नहीं थे उनको कुछ नहीं मिला, अब वो लोग परेशान है हम क्या करें। तो भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो लोग जनवरी में नहीं ले पाए हैं उनके लिए देखिए ये मेरा वीडियो है दोपहर वाला, इसको देख लीजिए आपको क्या करना है, आपको सारी कंडीशन मैंने समझाई हुई है। इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखिए, आपको 100% मालूम पड़ जाएगा आपको अगले दिनों में करना क्या है अक्टूबर तक। अब आके आपको देखिए अगर मेरी टीम के साथ जुड़ना है, मेरे साथ माइनिंग करनी है, तो ये रहा मेरा ज्वाइनिंग कोड, यानी कि इनविटेशन कोड, जो रेफरल कोड आप जो भी समझना चाहें, तो इसके जरिए आप मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ माइनिंग कर सकते हैं। मैं अभी इस प्रोजेक्ट में माइनिंग करूंगा, अक्टूबर तक करूंगा, और आगे भी देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे डेवलपमेंट होते हैं, और वो आपको A to Z आपको डेवलपमेंट ट्विटर पे प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो इसलिए ट्विटर को भी हाथों हाथ ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, नमस्कार।